आपका स्वागत है फार्मेसी सेशन में। मैं आशीष पुरी आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक नया टॉपिक है। आज का टॉपिक है पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड ब्लैक मैजिक पार्ट वन। दोस्तों पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी ऊपरी हवा का प्रभाव इंसान की जिंदगी पर, एंड ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक भी इसी से रिलेटेड होता है, यानी कि जादू टोना किसी पे किया हो, कोई नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड इंसान हो, उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके लक्षण बताऊंगा हाथ में, और उस इंसान को क्या उसकी जीवन शैली में उसके चेंज आएगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा सोसाइटी में, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा आपको उस वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि हमें इसका क्या सॉल्यूशन करना चाहिए जिसकी वजह से हम इस चीज से निकल सके। देखिए दोस्तों पहले तो देखिए हाथ, देखिए आप ये हाथ की फोटो है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और जो ब्लैक मैजिक होता है इसका सीधा सीधा कनेक्शन राहु के साथ में होता है, क्योंकि राहु जो होता है वो इंसान को 99% नेगेटिव एनर्जी देता है। तंत्र का कारक जो होता है वो राहु होता है, यानी कोई भी तांत्रिक एक्टिविटी होगी या कोई ब्लैक मैजिक वाली एक्टिविटी होगी, जादू टोने वाली एक्टिविटी होगी, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी, कोई भूत प्रेत वगैरह, कोई भी किसी भी टाइप की कोई चीज होगी, उसका सीधा सीधा कनेक्शन राहु के साथ में होता है, क्योंकि राहु एक राक्षस ग्रह होता है। ठीक है, तो वो क्या है कि राक्षसी प्रवृत्तियों को जो है वो बढ़ावा देता है और इंसान जो होता है उसके प्रभाव में आकर के सारे काम करता है। तो राहु का सीधा कनेक्शन होता है इसके साथ में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ में, ऊपरी हवा से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो रूहानी ताकत होती है, जो भी भूतिया शक्तियां होती हैं, उन सभी चीजों का कनेक्शन राहु से होता है। और इंसान के अगर ब्लैक मैजिक हाथ में होता है तो राहु की वजह से ही होता है, तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। तो देखिए ये हाथ है, हाथ में देखिए राहु का प्रेजेंस, देखिए आप ये सब राहु की लाइंस है, छोटी छोटी लाइंस है, बहुत लंबी लंबी पतली पतली लाइंस है, लेकिन लगातार लाइन है, यानी एक पूरी लाइंस का गुच्छा, राहु की लाइंस का जोरदार गुच्छा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ब्लैक मैजिक टू मैनी राहु लाइंस, जब बहुत सारी राहु की लाइंस यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एक गुच्छा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लगातार लाइंस होंगी विदाउट ब्रेक, तो इसका मतलब इंसान क्या है, ब्लैक मैजिक से प्रभावित है। सबसे बड़ा जो सिग्नल होता है इंसान की जिंदगी में, सबसे बड़ा जो सिग्नल होता है इंसान के हाथ में, वो यही होता है कि ये लाइन का गुच्छा आता है। जब ये लाइन का गुच्छा यहाँ पे आएगा इस तरीके से, तो इंसान क्या होगा, ब्लैक मैजिक यानी जादू टोने से प्रभावित होगा। ठीक है दोस्तों, ब्लैक मैजिक कई तरीके से हो सकता है, यानी कि जो लाइन का गुच्छा आ रहा है ये कई तरीकों से आ सकता है, जैसे तांत्रिक क्रिया किसी भी की गई हो, उसकी फोटो देख करके, मंत्र को बोल करके, तांत्रिक मंत्र को बोल करके उसको जो है प्रभाव डाला उस पर। ठीक है, या उसका कपड़े को यूज किया हो, उसे कुछ खिला दिया हो, बाल का टुकड़ा ले लिया हो, नाखून का टुकड़ा ले लिया हो, किसी भी तरीके से चीजों का उपयोग करके उस पर तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं और ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। जब ब्लैक मैजिक किसी इंसान पे होगा, जादू टोना होगा, तो इंसान नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित होगा, उसका जो पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा है वो खत्म हो जाएगा, और जो इंसान जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसकी बॉडी के सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी का ऑरा आएगा। नेगेटिव एनर्जी का ऑरा आएगा तो इंसान गलत तरीके से, एक अजीब तरीके से बिहेव करेगा, बहुत ज्यादा उसको डर लगेगा, फियर होगा, एंग्जायटी होगा, घबराहट होगी, रात में नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, और इंसान का जो बिहेवियर अपने घर वालों के प्रति बहुत ही खराब रहेगा, तो अच्छे से बातचीत वगैरह नहीं करेंगे और अच्छे से जो है लोगों से बिहेव नहीं करेंगे, तो जो बहुत ही अजीब सा परिवर्तन आएगा बातचीत करने के तरीके में, सब तरीकों में परिवर्तन आएगा, और इंसान का कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा, यानी कि ना वो अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाएगा, ठीक है, और ना ही घर में कंसंट्रेट कर पाएगा, तो रिलेशनशिप भी खराब होंगे, माइंड लाइन और हार्ट लाइन जो होती है वो भी खराब हो जाती है, यानी कि जो काम करना चाहिए दिमाग से वो नहीं कर पाते, दिल से भी क्या बहुत जज्बाती हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, और इस तरीके से रहेंगे तो इस तरह की जो है चेंजेस आते हैं इंसान की जिंदगी में, हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ब्लैक मैजिक होगा तो ये सब चीजें पॉसिबल है इंसान की जिंदगी में। ठीक है, तो दोस्तों हमको क्या है कि इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, अगर हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो इंसान का जीवन खतरे में रहेगा, इंसान सुसाइड भी कर सकता है, उसकी दिक्कत रहेगी, और उसका शादी वादी नहीं हो सकती, मैरिड लाइफ में भी दिक्कत रहेगी, सब चीजों में दिक्कत रहेगी, उसके जो है पूरे पूरे काम में, हर चीज में, जीवन के हर क्षेत्र में वो इंसान स्ट्रगल करेगा। इसके लिए ब्लैक मैजिक की रेमेडी करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंसान को ब्लैक मैजिक से प्रभावित होगा उसको क्या रात में क्या भूत वगैरह दिखेंगे, उसे कोई गलत चीजें दिखेंगी, ठीक है, और उसको एहसास होगा कि कोई आसपास है, रात में उसे दिक्कत होगी, दो एक से लेकर तीन बजे का समय जो होता है वो इसका ही टाइम होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी का समय होता है, बहुत तेज समय होता है, जोरदार समय होता है, तो इस समय जो भी चीजें होंगी वो उसको दिखेंगी, उसका एहसास होगा, नींद नहीं आएगी, सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस इंसान के साथ होने लगेंगी। ये सबसे बड़ा लक्षण है जब इंसान को ब्लैक मैजिक होता है। दोस्तों ये लक्षण मैंने आपको बताया, अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि हम हनुमान जी का लॉकेट पहने,
हम जो मैं हूँ, मैं हमारे यहाँ पंडित जी हैं जिनको सिद्धि प्राप्त है हनुमान जी की, और एक बहुत ही बेहतरीन लॉकेट बनाते हैं हनुमान जी का, अभिमंत्रित लॉकेट। तो अभिमंत्रित जब लॉकेट पहनेंगे तो इंसान को इन सब दिक्कतों से निजात मिलेगी, ब्लैक मैजिक जो है जादू टोने से पूरी निजात मिलेगी उसको, ये सब चीजें दिखनी बंद हो जाएंगी जो ऊपरी हवा के जो वजह से जो दिख रहा है, और सारी दिक्कतें उसकी खत्म होगी। जो लॉकेट है उसकी दो विशेषता है, एक तो लॉकेट अभिमंत्रित है, नाम से बनेगा, सेकंड वो लॉकेट टेलर मेड है, जो दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग पंडित जी हमारे हैं जो कि उस लॉकेट को बनाते हैं, उस दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए उस लॉकेट को बनाएंगे ताकि सारी दिक्कत दूर होगी और इंसान क्या है कि उस चीजों से मुक्त होगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। ये लॉकेट जब पहनेगा इंसान को सारी उसकी जो रोग शोक पीड़ा है सब खत्म हो जाएगी दोस्तों, इस तरीके से क्या है कि ये इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा हनुमान जी की हम मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, कुछ हीलिंग मंत्र होते हैं वो भी हम चैंट कर सकते हैं, और भी हम चीजें कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रेमेडी है कि हम हनुमान जी का लॉकेट पहने ताकि हम सुरक्षित रहें दोस्तों। ये है आज का टॉपिक, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, ये पार्ट वन है, फिर पार्ट टू के साथ जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको अपडेट करिए थोड़ा सा, और आप मेरे सभी YouTube वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, आप जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स का सेक्शन है उसमें आप कमेंट्स कीजिए, अपने व्यूज को शेयर कीजिए, मैं आपको वहां पे बिल्कुल इंटरेक्ट करूंगा आपके साथ में। आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं जो मैंने मेंशन किया वीडियो के अंदर, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं फोन पे, और आप जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और ताकि आप वीडियोस को देख सकें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।